माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सीए का समर्थन करने आए हैं, क्या कारण है? नमो सेना इंडिया ने बहुत ही काबिले तारीफ कदम उठाया है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पूरी टीम और संस्थापक संजय गोस्वामी जी और यहाँ पर जो ये लोग हैं आप देख रहे हो, ये सब पदाधिकारी लोग हैं, पब्लिक को नहीं बुलाया गया है। आसपास के स्टेट्स दिल्ली के पदाधिकारी हैं, सिर्फ एक संदेश देने के लिए यहाँ आए हैं कि सीए के समर्थन में, हिमायत में, और सीए को जो ये थोड़ा गुमराह और कन्फ्यूज़न लोगों को किया गया है, घर घर जाकर के ये बता देना है कि ये कन्फ्यूज़न करने वाला बिल नहीं है। वैसे मैं एक बात आपको बताऊँ, ये कन्फ्यूज़न भी ज़बरदस्ती का कन्फ्यूज़न है। अगर आप किसी सोते हुए को जगाओ तो वो जाग जाएगा, और जागते हुए को आप जगा ही नहीं सकते हैं। ये वामपंथी और ये कन्हैया कुमार जैसे लोग देश को तोड़ने वाले, कोई इनसे ये पूछे वामपंथियों से कि चाइना में 30 लाख मुसलमान डिटेंशन कैंपों में, आज तक इन्होंने कभी दो लोगों ने भी धरना किया है? चाइना में उन मुसलमानों को खिंजीर जबरदस्ती खिलाया जाता है, क्या ये लोग उतरे हैं सर पर सड़कों पर, शाहीन बाग के और जामिया के लोग? अपने ही देश को तोड़ने के लिए ये इस्तेमाल हो रहे हैं, और अपने ही देश को ये तरह तरह की सवाल करते हैं मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और केंद्र की सरकारों से। कोई पूछने वाला हो वो एम्बुलेंस वहां से नहीं गुजरने देते, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो इस देश का फ्यूचर है उनको स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा, हजारों लोगों का वो मार्केट बंद करके कारोबार बंद किया हुआ है, हजारों अभी हमारे एक प्रवक्ता बता रहे थे हजारों ई रक्षा बेचारे जो गरीबों ने कैसे कैसे लिए हुए हैं उनका रोजगार बंद है। तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी से तो सवाल कर रहे हो, होम मिनिस्टर से सवाल, पूरा देश आपसे सवाल पूछता है कि आप देश को तोड़ने की राजनीति क्यों कर रहे हो? सर, ये जामिया में और शाहीन बाग में जो गोलीकांड हुआ उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी उठा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार हो, और भारतीय जनता पार्टी, देखो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कानून को सर्वोपरि मानती है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस के द्वारा, फोर्स के द्वारा, किसी भी द्वारा उनको आज तक वहां से उनकी मिन्नतें की है, उनकी खुशामदें की है, उनका दर्द समझने की कोशिश की है। और दोनों लड़कों के बारे में मुझे पता चला है कि वो दोनों लोकर लड़के वहीं के हैं, और उनके अंदर गुस्सा इस बात का है कि इस घर से इस घर जाने के लिए उनको 4 किलोमीटर यूं घूम के आना पड़ता है। नोएडा, नोएडा से दिल्ली पढ़ने जाते हैं, अपने अपने माँ बाप स्कूलों में बच्चों को मेहनत करके जैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, उनके सब चीज़ें बंद की हुई हैं। तो ये एक पब्लिक का गुस्सा है जो आहिस्ता आहिस्ता भर के उभर के सामने आ रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये दो गोलीकांड तो आपने दिखा दिए हैं, उससे पहले वहीं के शाहीन बाग के लोकल लोग, वो लुकमान चौधरी के नाम से एक आई थी वीडियो, NDTV ने और कई लोगों ने उसको दिखाया था कि वहीं पर लोकल 25-30 लोग गए थे उनकी मिन्नतें करने, लोकल लोग वही पिछली गली के, कि आप एक रास्ता खोल दीजिए सिर्फ एम्बुलेंस जाने, दूध आने के लिए, सब्जियां आने के लिए। लेकिन क्या किसी ने माना? वो नहीं माना, और चूकातू रास्ता। और फिर सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि वो धर्म के नाम पर बैठे हुए हैं। मैं मजहब इस्लाम से आता हूं, और मजहब इस्लाम में भी एक बड़ा यानी मुफ्ती हूं मैं, जो मुझे जिसे फतवा देने का अधिकार होता है। जो मजहब इस्लाम ये कहता है कि आप रास्ते में थूक नहीं सकते, आप रास्ते में पत्थर नहीं डाल सकते, रास्ते में कांटा नहीं डाल सकते, कोई ऐसी चीज, यहाँ तक के केले का छिलका नहीं डाल सकते, पूरा रास्ता रोके हुए बैठे हो, वो भी धर्म के नाम पर। कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं। और बदतमीजियाँ की जाती है पत्रकारों के साथ, गुंडागर्दी की जाती है। अगर आप उनके पक्ष के हैं तो आप वहाँ जा भी सकते हैं, अगर आप उनके पक्ष के नहीं हैं तो जा भी नहीं सकते हैं। तो आप ये देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है। देव शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष नमो सेना इंडिया। सर, आजकल जो सीए पर बवाल चल रहा है क्या? बवाल नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ देशद्रोही तत्वों का जो काम है, जिसके पास जो काम होता है वो करता है, वो अपने काम करने से बाज नहीं आ सकता। लेकिन मैं आप लोगों को, मीडिया बंधुओं को ये संदेश देना चाहूंगा इस जंतर मंतर के, नमो सेना इंडिया के धरना प्रदर्शन से, कि CAA इस देश को अक्षुण रखने के लिए बिल आया है, इस देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए आया है, और हम सर्वधर्म संभाव हमारा कैसे परिलक्षित हो, इसलिए ये बिल आया है। इसलिए मैं इस पत्रकार वार्ता के द्वारा, आपके द्वारा यह मैसेज भी देना चाहता हूँ कि सार सार को गही रहे, चौथा देही उड़ाए। तो इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए हम भारतवासियों को यह संदेश देना चाहिए
और एक जन जागरण पैदा करना चाहिए कि ये जो छोटी छोटी शक्तियां हैं, आपने शाहीन बाग का जिक्र किया, सरिता विहार का जिक्र किया, और भी प्रकार की घटनाएं देखने को सुनने को मिलेंगी, लेकिन देश की एकता और अक्षुण रखने में ये शक्तियां अपने निष्प्रभावी होंगी और हम बिल को लेकर के एक आम जनमानस बनाने का जो काम कर रहे हैं करते रहेंगे और पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि हमारा ये जो बिल देश हित में है पूरी तरह से लागू होकर के रहेगा, प्रमाणित रूप से लागू होकर के रहेगा, दिलों में भारतीयों के एक जगह बना करके रहेगा। सर आपके जो नमो सेना लोगों को समझाएगी जाके कैसे निशान ही है, आज उसी की कड़ी में आज दिल्ली के हृदय स्तर इस जंतर मंतर पर आपके बीच में है, पूरे प्रदेशों में, प्रदेश की राजधानियों में, और जहां इस प्रकार की देशद्रोही शक्तियां अपने काम को अंजाम दे रही हैं, सफल नहीं हो रही, हम वहां भी जाकर के शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह के रूप में नमो सेना इंडिया परिवार CAA के समर्थन में जा रहा है और जाता रहे। थैंक यू। आपका नाम? संदीप गर्ग, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नमो सेना। सर जो CAA के बारे में बताइए, आप बताइए CAA के बारे में। जो भी ये कानून हमारे पे नरेंद्र मोदी जी ने दिया है उसको हम समर्थन करते हैं, जो इसका विरोध करता है वो देशद्रोही है, क्योंकि ये कानून किसी को भी भारतीय भाषी को बाहर निकालने का कानून नहीं है। जो बाहर से आए हैं, अफगानिस्तान आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं या बांग्लादेश से आए हैं, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, उनको यहाँ पे नागरिकता देने का कानून है। सर एक चीज है कि एक नारा निकला हुआ है कि गोली मारो साल गद्दारों को, आखिर वो गद्दार कौन है जिनको गोली मारने की बात कही जा रही है, और इसको तूल पकड़ के ये जो है अन्य समुदाय के लोग हवा दे रहे हैं। देखिए गद्दारों की जो बात आती है, गद्दार तो वही है जो देश से द्रोह करेगा, अब जो द्रोह कर रहा है वो गद्दार है, वो कुछ समझदार बैठे हैं अपने आप समझ जाएंगे कौन गद्दार है और कौन वफादार है। आखिर में कौन गद्दार है, किसको आप जो देश द्रोही है वो गद्दार है, भगाना चाहते हैं, किसको रखना चाहते हैं, ये तो बताइए, क्योंकि यहाँ पे मांग उसी की हो रही है। सर देखिए गद्दार मैंने बताया ना, जो देश द्रोह करेगा वो गद्दार ही है, जो देश प्रेम करेगा वो वफादार है। अब गद्दार तो अपने आप समझते हैं हम गद्दार हैं। जी मैं बता रहा हूँ, जैसे जो आतंकवादी हैं वो गद्दार हैं, लोगों को मार रहे हैं तो उनको गोली नहीं मारा जाएगा तो माला फूल पहनाया जाएगा। आप बताइए, जम्मू कश्मीर में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, मंदिरों मस्जिदों में खून बहाया जा रहा है, तो ऐसे आतंकवादियों को गोली ही ना मारा जाएगा, वो सब गद्दार नहीं है तो क्या है? लेकिन उन लोगों का तो कहना है कि यहाँ के मुसलमानों को गद्दार मान के गोली मारने की बात जो है कही जा रही है। भारत का मुसलमान कभी गद्दार हो ही नहीं सकता जो भारत का है। हाँ कोई रोहिंग्या आ गया है, अवैध बांग्लादेशी आ गया है, तो वो भारत के संविधान को मानता नहीं है, वो तो खून करेगा। बम गया में नहीं बम विस्फोट किए थे बांग्लादेश के अवैध नागरिक, तो सब गद्दार ही है ना, तो उनको तो कानूनी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं, उसका तो हम लोग स्वागत करते हैं। जी